2016 से सूबे में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और शराबबंदी का पूर्ण असर आपको हम कटिहार जिला के दिगड़ी पंचायत में दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये गुमटी नुमा दुकान है और इस दुकान का नाम है जीविका। सतत जीविकोपार्जन योजना द्वारा संपोषित हुआ है और इसकी दुकानदार हैं संगीता देवी। हम आपको इस संगीता देवी से मिलवाते हैं जो इस दुकान को करने के पहले शराब के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी और इनको कई बार जेल जाना पड़ा था और इस तरह से ये प्रताड़ित होती थी और फिर ये इस व्यवसाय को छोड़कर आज ये अपने जीविकोपार्जन के लिए गुमटी नुमा दुकान में दुकान चला रही हैं। और इसमें आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, ये कोलासी का ये दिगड़ी पंचायत है, कोढ़ा प्रखंड का ये दिगड़ी पंचायत है और ये महिला जो है आज के डेट में ये अपने बाल बच्चों के साथ खुश रह रही हैं, अपने बाल बच्चे को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं। आइए मिलते हैं इनसे कि ये इस दुकान के पहले ये क्या किया करती थी, क्या करती थी इस दुकान के पहले? दारू बेचे इसमें पहले, सबसे पहले। क्यों छोड़ दिए? दो तीन बार दारू में पकड़ा गया, इसीलिए छोड़ दिया। पकड़ा गई मतलब पुलिस? पुलिस पकड़े के ले गया जेल, इसीलिए दारू बेचे छोड़ दिया। इसके बाद ओकरा बाद लोग सब गांव टोला बोले लगे कि अच्छा चीज ना करे छे, दारू बेचे छे, गंदा काम करे छे, पुलिस भी पकड़ी ले छे, तैयो ना दारू छोड़े छे, इसीलिए हम दारू बेचे छोड़े दिए। तो जीविका काम जुटलिए तो सतत जीविकोपार्जन से ओकरा लाभ मिलले, तो दुकान क्या लाभ मिला? पैसा मिलले। कितना? 60,000। 60,000 रुपया किस चीज के लिए मिला आपको? दुकान, किराना दुकान करे। क्या बेचती हैं इसमें? चावल, दाल, आलू, जितना किराना सामान है दुकान में। शराब वाला व्यवसाय ठीक था या ये ठीक है? ये दुकान ठीक। क्यों? शराब गंदा चीज है। कौन बोला था शराब गंदा चीज है? गांव टोला समाज को सभ्य में, इसीलिए दारू बेचल छोड़े। नीतीश कुमार भी तो बोले थे ना? नीतीश कुमार भी मना किया है। इससे बाल बच्चा आपका पढ़ लिख रहा है? हाँ। अच्छे से खुश होके रह रहे हैं, जिंदगी को गुजार रहे हैं? हाँ। कोई दिक्कत भी हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर शराब बेचना है या उस व्यवसाय को करना है? ना। क्या कहिएगा गांव के लोगों को? गाँव के लोग के समझाया चाहिए कि दारू तो हूँ सोने बेच को बिजनेस करे को जना खम्मा दुकान चलाया चाहिए, खाए चाहिए, दारू खराब चीज है, गंदा चीज है। आपके यहाँ नीतीश कुमार आ रहे हैं, सरकार आ रही है, कब आ रहे हैं सरकार? 5 तारीख के नीतीश कुमार मिलना है उनसे। हाँ। क्या कीजिएगा मिलके? मिलके टोपी खिलाएंगे उसको नीतीश कुमार। क्या कीजिएगा? उसको टोपी खिलाएंगे। टॉफी खिलाएगा नीतीश कुमार को? क्यों? खुशी से। क्यों शराब वो बंदी करवाए और आप बात मान लिए इसलिए क्या? हाँ। क्या बताइए? हाँ हाँ, बंदी करवल कैसे? क्या चीज का? शराब। अच्छा, कब आ रहे हैं नीतीश कुमार? 5 तारीख। देखिए, महिला दिगरी पंचायत में स्कूल टोला में है और यहीं पे नीतीश कुमार, आप थोड़ी दूर पे आगे आप देख सकते हैं वहीं पे नीतीश कुमार आ रहे हैं और वो 5 तारीख को आ रहे हैं जहाँ पे कि वो निरीक्षण करेंगे। ये महादलित टोला है यहाँ पे इसको कहा जाता है और ये महिला सड़क के बिल्कुल किनारे है और ये हाथ में टॉफी लिए हुए हैं और ये शराबबंदी जो हुई है उसको लेके ये चाह रही हैं कि नीतीश कुमार आके मिलें या फिर हम जाके नीतीश कुमार से यहाँ पे मिलें और उनको स्वागत में उनको टॉफी खिलावें। ये अच्छी खबर है, सुबह में शराबबंदी है और ये महिला ने उसका 100% पालन किया है और आज जीविका के माध्यम से ये अपना स्वयं का रोजगार शुरू किया है। ये थी कटिहार से अच्छी खबर। विपुल राहुल, बिहार तक कटिहार।